और भी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं दास्तान को रोकना, एंड उसके बारे में बताया कि वो रोकते दास्तान रोकना, असल दास्तान में एक फन ये होता है कि दास्तान वो जो है वो प्लॉट, स्टोरी का प्लॉट एक जगह पर रोक देता है और अब डिस्क्रिप्शन शुरू होता है। तो जितनी देर तक आप प्लॉट को रोक सकें और डिस्क्रिप्शन को जारी रखें, आप उतने बड़े दास्तान को माने जाते हैं। एक दास्तान वो थे, उन्होंने कहा कि साहब, वो दास्तान सुना रहे थे और तभी एक आदमी आया और उसने कहा कि साहब घर पे बीवी बीमार हैं, आप चलें। तो उन्होंने अपने भतीजे को खड़ा कर दिया और कहा, देखो बेटा ऐसा है कि शहजादा 30 साल के बाद पहुंचा है, वो इधर खड़ा है और शहजादी उसका इंतजार कर रही है वहाँ हुजरे के अंदर, पर्दा उठना है, मैं गांव जा रहा हूँ, हफ्ते भर बाद आऊँगा, देखना पर्दा ना उठे। तो वो जो है अब वो चले गए गाँव और अब भतीजे ने दास्तान शुरू की, तो उसने उसी पॉइंट पर स्टोरी पकड़ी वेयर द प्रिंस हैज अराइव्ड standing outside that hujra, the princess is sitting inside waiting, the union has to happen. और अब वो एक हफ्ते तक बयान चलता रहा, description कि पर्दा ऐसा था तो शहजादे की तलवार ऐसी थी, तो अबा ऐसी थी, वो अंदर उसका झुमका और उसका बहाली और उसका बाला और वो पर्दा और वो मसनद और वो पर्दा, and the description went on for 1 week. एक हफ्ते बाद आया तो कभी पर्दा उठा नहीं, अभी पर्दा नहीं उठा, आपने कहा था कि पर्दा मत उठाना, तो मैंने उठा उठाया। इस फन को कहते हैं दास्तान रोक। So that, this thing, it comes, A, that you have that kind of command over the language, and plus it's an improvisational skill, because you are stopping the plot at one point. Your description should be interesting enough to hold the audience. Exactly. Your description should be interesting enough to hold the audience.